का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त मानवी शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रह्मा जी हमारे संसार के रचयिता हैं। अगर ब्रह्मा जी ना होते तो आज हम लोग भी ना होते। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्यों नहीं पूछते ब्रह्मा जी को, क्यों, आखिर क्या है इसका कारण? इसके पीछे छिपी एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको हाल ही में बताऊंगी। ये कहानी सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए या मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाना। ओके गाइस, तो मैं बताती हूँ आपको इसके पीछे का कारण। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, संसार में तीन भगवान इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जरूरी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो जिन्होंने हमारी किस्मत रची है, जिन्होंने हमें रचा है। विष्णु जो हमारा पालन करते हैं। तो वही महेश अर्थात शिव जी जो विनाशकारी हैं। जब संसार में पाप चढ़ता है या पाप का घड़ा भर जाता है, तब शिव जी रौद्र रूप धर के संसार का विनाश कर देते हैं। लेकिन आपने देखा ही होगा, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को तो सब पूजते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा? आखिर क्या है इसका कारण? ब्रह्मा जी ने हमारे ही भले के लिए सोचा कि एक बार यज्ञ करा दें। लेकिन यज्ञ के लिए बहुत देर हो रहा था, तो वहीं पे ब्रह्मा जी ने एक ग्वाल नामक स्त्री से शादी कर ली। ग्वाल की स्त्री से शादी कर ली क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी को उस यज्ञ में बैठना अवश्य जरूरी था। ये सब देखकर ब्रह्मा जी की पत्नी क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ, जो तुम इतना कर रहे हो ना, तुम्हें इस संसार में कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम्हारा कहीं मंदिर बनता भी है तो सिर्फ तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा। ये सब होने के बाद भी सारे देवी देवताओं ने उनसे कहा, माते प्लीज अपना श्राप वापस ले लीजिए, प्लीज अपना श्राप वापस ले लीजिए। पर उनने अपना श्राप नहीं लिया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने एक वरदान दिया कि राजस्थान के पुष्कर जिले में सिर्फ आपका मंदिर बनेगा और कहीं अगर मंदिर बनता भी है तो वहाँ विनाश हो जाएगा और उस जिले में ही आपका मंदिर बनेगा, अन्यथा वहीं के लोग आपको पूछेंगे, अगर और कहीं बनता है तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इतना सब होने के बाद जब सावित्री देवी अर्थात ब्रह्मा की पत्नी गुस्सा शांत होने के बाद पुष्कर के एक जिले में पहाड़ियों के पास चली गई और वहीं वो रहने लगी। वहां रहने के बाद वो तपस्या करने लगी और सबका भला वहीं से करने लगी। कहते हैं सावित्री देवी को कि ये हिंदुओं का भला करती है, साथ ही साथ के लोगों की अगर इनका कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है या कोई भी सुहागन स्त्री व्रत रखती है तो वो उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है, साथ में बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देती है। इसीलिए हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए इनका व्रत करती है। ये थी इसकी कहानी। ये थी आज की असम न्यूज की रिपोर्ट।